We know everything about constipation. Oh yeah, obviously. हम सब जानते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस छोटी सी वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा आज कि कैसे सिंपल सी कब्ज से कैंसर ट्यूमर तक हो सकता है। आज की डेट में जो जीवन शैली है उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, IBS, कोलोन कैंसर, अपेंडिसाइटिस, पाइल, फिशर, फिस्टूला, बहुत सारे रोग देखने को मिल रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है हमारा खाना ठीक है, एक्सरसाइज भी हम प्रॉपर करते हैं, फिर भी ये समस्या बढ़ती जा रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल है हमारी टॉयलेट सीट का। सर लेट मी एक्सप्लेन यू, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। ये हमारा पेट है, इसमें इंटेस्टाइन ऐसे 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 जा रहा है। देखिए, ये सर हो गया, ये पेट हो गया, ये ऐसे 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 घूम के गया, उसके बाद घूमने के बाद ये ऐसा क्वेश्चन मार्क बन जाता है। या ये देख, तो इंडियन टॉयलेट सीट के फायदे क्या है? इसे स्क्वैट पोजिशन भी कहा जाता है, और इस पोजिशन में बैठने से थाइस का प्रेशर पेट पे बढ़ता है और सारा कचरा पूरी तरह से बाहर निकल आता है, और साथ में आंत की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन हमारे पेट और थाइस के बीच में 35 डिग्री का जो एनल बनता है ना, वही वेस्टर्न में 90 डिग्री का बनता है, और यही पोजीशन ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने में बहुत अच्छी है। और स्क्वैट पोजीशन में जो प्यूबोरेक्टलस मसल है वो पूरी तरह रिलैक्स होती है, जिसमें बिना किसी रुकावट के वेस्टर्न टॉयलेट सीट करते समय मांसपेशी चौक हो जाती है, जिसके कारण पूरा कचरा बाहर नहीं आता, और वो कचरा आप पूरा दिन लेके घूमते रहते हो, जिसकी वजह से हम बीमार पड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से आजकल आपको शुगर, BP, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, सिर दर्द, और आगे जाके फिर फिशर फिस्टूला तो है ही। तुम लगाने की जरूरत ही नहीं, काम अपने आप हो जाता है। आप ये ऐसे बैठते हैं तो पेट पे प्रेशर आता है, तो ये इंटेस्टाइन पे प्रेशर पड़ता है, और फिर पाइपलाइन में जितना वेस्ट मटेरियल है ना, वो धीरे धीरे धीरे। अगर देखा जाए तो वैदिक साइंस क्या कहती है, वैदिक साइंस के अनुसार इसका जो पोस्चर था वो 100% साइंटिफिक था, जिसको हम उकड़ू स्टाइल बोलते थे, लेकिन पश्चिमी सभ्यता ने हमें हमारे मूलभूत ज्ञान के साथ से हिला दिया और दर्जनों बीमारियां हमारे घर में प्रवेश करा दी। पे नहीं चढ़ सकते भाई, ये तो वैष्णव आचार्य, इस पे हम कैसे, इस पे ऐसे उकड़ू बन के बैठेगा? हम आपको चढ़ा देते पापा, अगर आप ये कहते तो ना, ए बुड्ढा, ए गणेश, फाइन, जब तुम लोगों का ये तमाशा खत्म हो जाए ना, मुझे बुलाना। सर जाने दीजिए, अब ट्राई करते हैं। आपने अमिताभ बच्चन की तरह सीट पर नहीं बैठना, आपने इंग्लिश टॉयलेट सीट पर बैठना है, मगर स्टूल रख के, यानी कि आगे पांव पे स्टूल रख के, ताकि 35 डिग्री का एंगल बन जाए। इंडियन टॉयलेट सीट स्टाइल यूज करने से आपको जोर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे आंतों में घाव नहीं होते, अल्सरेटिव कोलाइटिस, रेक्टल प्रोलैप्स जैसी बीमारियां नहीं होती। और मैं आप सबको बोलना चाहूंगा, मेरा इशारा पेट साफ करने की तरफ है। पेट साफ करने के लिए बाजार में जो तरह तरह के चूर्ण बिक रहे हैं, गोलियां बिक रही हैं, अपने आप मत खरीदो, डॉक्टर के पास आओ, बीमारी की जड़ पे काम करो। क्योंकि पेट साफ कलर करने के लिए लोग तरह तरह के फाकियां ले लेते हैं, बिना डॉक्टर के सलाह के कोई भी गोलियां खा लेते हैं, और उसके बाद इनको इसकी आदत पड़ जाती है, और बाद में आंतों में जख्म तक हो जाते हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहूंगा कि इंडियन टॉयलेट सीट वाला स्टाइल अपनाओ, आप इंग्लिश टॉयलेट सीट यूज करो, लेकिन स्टाइल चेंज करके। और अगर आपको लगता है कि आप इंग्लिश टॉयलेट सीट में आकर पूरा पेट साफ कर लेते हैं, तो मेरे कहने पे एक्सपेरिमेंट करिए, आप इंग्लिश टॉयलेट सीट पे पेट साफ कर लीजिए, वॉश कर लीजिए, उसके बाद स्टूल खींच के, जो बाथरूम में स्टूल पड़ा होता है जिसको हम बाथ स्टूल भी बोलते हैं, उसको खींच के पांव रख के फिर जोर लगाइए। देखिए, थोड़ा सा वेस्ट, थोड़ा सा फिकस मटेरियल फिर बाहर आएगा, यही मटेरियल आप पूरा दिन लेकर घूमते रहते हो 24 घंटे, और यही अंदर पड़ा सड़ता है, यहीं पर बैक्टीरिया पैदा होते हैं, कई तरह की गंदगी पैदा होती है, वायरस पैदा होता है, इंफेक्शन पैदा होता है, और उसकी वजह से अंदर की आंतें गलती हैं, सड़ती हैं। कितने लोग रोजाना डॉक्टरों के पास जाते हैं बवासीर का ऑपरेशन कराने, फिशर फिस्टूला का ऑपरेशन कराने। और सबसे बड़ी बात, अगर भारतीयों को बीमार होने से बचाना है तो भारतीय संस्कृति के जो स्टाइल थे, जो तरीके थे, वो अपनाने पड़ेंगे। देख ही रहे हैं, पूरा विश्व जब भारत के आयुर्वेद को, भारत की संस्कृति को अपना रहा है, तो हम इंग्लिश टॉयलेट सीट पे बैठते हुए ही उसको इंडियन स्टाइल का बना ले। बस करना क्या है, एक स्टूल इस्तेमाल करना है। धन्यवाद। कुछ हुआ? लाइक नेवर बिफोर, बिकू अद्भुत, द बेस्ट मोशन।